उनका ऑफिस फैल हो रहा है, कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, स्टाफ गड़बड़ी कर रहा है, तो दुग्ध दूध से भगवान को स्नान कराएं। वंश वृद्धि के लिए तो यह है ही, लेकिन आपके कारोबार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आपकी कथा में आएगा मन की शांति के लिए जल से भगवान का महाअभिषेक करें। बहुत बड़ी संपदा प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। बाजार में पैसा मारा गया है और कैसे भी आ नहीं रहा है, और घर में ऐसी कोई नारी है जिसके गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, वंश वृद्धि रुक पड़ी है, तो दूध में शुद्ध देसी घी मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, वंश वृद्धि बढ़ जाएगी। एक बार इस बात को फिर रिपीट करूँगा, ये बड़े आनंद की बात है और बड़ी अद्भुत बात है। वंश वृद्धि के लिए आप गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और उसमें घी मिलाइए, घृत मिलाइए, फिर उसके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ये वंश वृद्धि के लिए किसी वरदान से ये बिल्कुल भी कम नहीं है। और जिन पत पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, जल में इत्र डालिए और कुछ भी नहीं, पानी, दूध भी नहीं और कुछ भी नहीं, पानी में सिर्फ इत्र, जल में इत्र डालकर। या कोई स्त्री आपकी के घर में आने वाली कोई पुत्र वधु, आजकल बहुएं धमकी भी तो हाल दे देती हैं, ससुराल में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, महीना दो महीना भी नहीं होता वो अटैची थैला लेकर के सीधे पियर जाकर के बैठ जाती है। या आपकी बेटी ससुराल में बहुत दिक्कत परेशानी में है और वहाँ के लोग अनुकूल नहीं हैं, बेटी के अनुकूल नहीं हैं, तो ये बड़ा सुंदर लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। सावन के महीने में जल में आप इत्र डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करें, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। देखिए, दौलत कितनी भी हो, संपदा कितनी भी हो, लेकिन जब तक घर में सुमति नहीं है, संगठन नहीं है, घर में लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, मान नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नरक बना हुआ है घर। तो ये मैंने आपके बीच में बात कही है कि जल में इत्र डाल करके आप भगवान का महाअभिषेक दिव्य अभिषेक कीजिए, इससे पत पत्नी में बनती है, झगड़े खत्म होते हैं, यहाँ तक मैं बोलूँगा तलाक की नौबत आ गई है वो भी समाप्त हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की गलती का एहसास करेंगे। तो घर के संगठन के लिए ये बड़ी अद्भुत चीज़ है, बहुत बढ़िया है। यदि कोई बहुत बीमार है, दवाई उसको लगती नहीं है, तो उसके लिए जल में शहद डालकर महारुद्राभिषेक होता है। किसी को ऐसी बीमारी है, और मैं निवेदन करूँगा, भगवान करे ये रोग किसी को ना हो, एक बड़ा खतरनाक रोग है, सफ़ेद दाग शरीर में हो जाते हैं, ग्रंथ में उसको कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। तो यह अभिषेक शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा आप सरसों का तेल डालिए और थोड़ा सा शहद डालिए पानी में, फिर इसको मिला करके भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये तो रही पूजा की बात। दूसरी बात, गैया की बछिया, सवा साल जिसकी उम्र हो, सवा साल से ज़्यादा नहीं, बछड़ी और काले रंग की शुद्ध देसी बछिया, उसका गौमूत्र लीजिए और सूती कपड़े में उसको 100 बार छानिए, गिन करके 100 बार, एक बहुत बड़ी औषधि बन जाएगी, उसको 100 बार छानिए, फिर उसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगाइए, और एक लगभग 25-30 ग्राम एक 3 महीना आप उसको पीजिए। ज़्यादा पी लिया है तो हो सकता है दस्त भी हो सकता है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो गौमूत्र है वो सबको पचता नहीं है, कैंसर के लिए वरदान है, इस रोग के लिए वरदान है, किडनी की सफाई के लिए, लीवर की सूजन को समाप्त करने के लिए गौ माता का यह गौमूत्र
और डायबिटीज वाले लोगों के लिए अमरता है, 1.25 साल की बछिया हो उसका गौमूत्र 100 बार कपड़े में छान कर और फिर उसको गर्म कीजिए, जहाँ जहाँ सफ़ेद दाग है वहाँ लगाइए और एक 30-40-50 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा उसको नित्य एक 90 दिन के लिए 3 महीने के लिए ले लीजिएगा, तो ये एक औषधि है, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा इससे। और पूजा के लिए असाध्य रोगों को, यहाँ तक कि मृगी का रोग है और पैरालिसिस है, ये सब असाध्य रोग में, पैरालिसिस असाध्य रोग में आता है, तो इसके लिए शनिवार के दिन शहद, जल और थोड़ा सरसों का तेल, इन तीनों को मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिएगा। यदि सांवले रंग की पिंडी मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है, रोग निवारण के लिए सांवले रंग की और धन नोटों के लिए शहद जैसे रंग की, घर में शांति के लिए शहद जैसे रंग की सिर्फ पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, रोग निवारण और शत्रु के नाश के लिए सांवले रंग की शंकर की पिंडी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो शनिवार के दिन यह आप करें और आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये अभिषेक, ये देखो मैंने कथा के पहले ही दिन आपको बोला है कि आपसे महापुराण की कथा सुन रहे हैं तो इसके लिए एक डायरी बनाइएगा। ये देखो ये सामने मंजू बहन कैमरा लगाइए, आप ये ऐसी ये चीज़ें हैं आप खोजते रहेंगे और आपको मिलेगी नहीं, और व्यासपीठ से आपको यह समाधान मिल रहा है। हमने लोगों के ऊपर यह उपचार किया है, लोगों को बहुत फायदा मिला है। तो मैं आज अपनी बात को, भगवान की इस दिव्य कथा को यहीं से मैं आरंभ कर रहा हूँ। आज सोमवार है, मैंने परसों या दरसों बोला है कि संध्या को प्रदोष काल में 7 बजे के बाद, लगभग प्रदोष काल 8:48 तक रात्रि में रहेगा, 8:45 बजे तक। ये इतना है, ये रोज आता है प्रदोष का, ये समय आज का ही नहीं है, रोज ही आता है प्रदोष का समय, 7:15 बजे से लगभग इतने टाइम के बीच में प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के मंदिर में 2 दिया घर से लेके जाइए बिना जले हुए, माचिस संग लेके जाएं, घी का दिया, मिट्टी का दिया हो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 1 दिया पहले जलाएं आप, भगवान शिव को वंदन करके प्रणाम करके, भोलेनाथ की अंदर से आधी परिक्रमा लगती है, जहाँ पानी गिरता है जलेरी को कभी लांगा नहीं जाता, भोलेनाथ की अंदर से परिक्रमा आधी लगती है और बाहर मंदिर से पूरी परिक्रमा लगती है, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा लगती है, बहुत देवताओं की 3 लगती हैं, नारायण भगवान की परिक्रमा है वो 4 लगती है, भोलेनाथ की आधी ही परिक्रमा लगती है, तो वह आधी परिक्रमा करके जलहरी के पास से लौटा जाता है, 1 दिया, ये दिया जलाने के बाद परिक्रमा आधी लगानी है, फिर लौट आइए, और जो दिया आपने जला के रखा है याद रखिएगा, दोनों दिए आपको माचिस की तीली से नहीं जलाने हैं, एक ही दिया जलाना है। और मैंने एक भी और भी बात बोली है, नारायण के मंदिर में यदि आप तुलसी की लकड़ी से दिया जलाते हैं तो 1 दिया जलाने का फल 10,000 दिए के बराबर होता है, ये समझ के याद के रखिए। अब यहाँ बच्चे पता नहीं भूल गए हैं कैसे, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसे कथा में तुलसी की डंठल से या बेल की डंठल से मैं दिया जलाता हूँ, महादेव के मंदिर में बेल पत्र की लकड़ी से उसके डंठल से उसको दिए को जलाइए, तो 1 दिया 10,000 दीपक के बराबर होगा, इतनी बड़ी महिमा है उसकी। मोमबत्ती से मन दिया जलाया करो, मैं कभी भी नहीं जलाता, मोमबत्ती बनती है पता नहीं क्या क्या उसमें सब डाला जाता है, तो ऐसे आप दिया जलाएं, तो 1 दिया आपने जला दिया है, जो दूसरा दिया है उस दिए से दिया जलाइए, फिर उसको ढक करके लाइए, रास्ते में हवा में या पानी में बुझ ना जाए, और ये काम पत्नी दोनों जाके कर लें तो बहुत अच्छा है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, सब समाधान ये होगा चुटकियों में। और एक आनंद की बात बता दूं मैं आपको, बहुत दावे के साथ, बहुत आनंद के साथ, तुम्हारे बच्चे मन मुताबिक शादियां नहीं करेंगे, आपकी इच्छा से शादी करेंगे, आपकी इच्छा से,
और वर्तमान समय में बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपके बच्चे आपके हिसाब से शादी करें, नहीं तो आज की स्थिति हम तुम राजी क्या करे काजी, ये स्थिति आएगी। तो ये जो मैंने एक दिए की बात आपको बताई है, इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है, बहुत ज्यादा। सब नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक सोच को एक दिया खत्म कर देता है। और यह अपना जो आपका घर का प्रमुख द्वार है, आपके घर में जहाँ घुसते हैं उसके दाहिने भाग पर इसको आप जला करके रख दीजिए, थोड़ी सी देर तक उसकी रक्षा कर लें, कहीं कोई बिल्ली है वो उसको लुढ़का ना दे। आजकल लोगों के घर में चैंपियन पाला जाता है, सुल्तान, कुतरा कुतरा, कहीं बोई ना चाट जाए, बोई ना उसको बुझा दे, थोड़ी देर के लिए वो जलता रहे। एक 24 मिनट तक दिया जलता रहे, बहुत ज़्यादा पूरी रात ना जले, 24 मिनट तक, ज्योतिष के अनुसार 24 मिनट तक वो दिया आपकी देहली पर जल जाए, आपके घर का तिमिर समाप्त हो जाएगा, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, घोर दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और घर में जो ऊट पटांग जो वातावरण है, नकारात्मक सोच है, ये 8 सोमवार, सावन के 8 सोमवार है, 8 सोमवार में कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। रामायण की एक चौपाई बोल करके, हाँ आप बताया क्या, घर से नहीं जलाना है, वहीं जलाना है। क्या बोले, पहले मंदिर वाला जलाना है, नहीं घर में घुसेंगे तो दाहिने हाथ पर, घर का जो प्रमुख दरवाजा है। जैसे पुरुषोत्तम भाई मैं आपके घर में घुसता हूं नीच, जैसे हम आपके घर में जहां आपका रेजिडेंस है, जहां घर से जैसे हम घुसते हैं तो उसके दाएं हाथ पर, हाँ वो ही है, किसी और की चौकट पे मत रखना, नहीं लड़ने को आ जाएगा, क्या कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अपने ही दरवाजे पर आप जलाइए। मैंने वास्तु की किताबें बहुत पढ़ी, सबसे ज्यादा वास्तु है, आप थोड़ा थोड़ी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे तैसे तो मकान बन पाते हैं, इनको बिल्कुल भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको टिप्स दूंगा, रसोई में कुछ चीजें हैं एक पोटली में बांध के ऊपर रख दो, कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता घर में। और जिसके घर में तुलसी पूजती है उसके घर में शंकर पूजते हैं, उसके घर में तो वास्तु दोष और पितृ दोष रहता ही नहीं है। जिन्होंने प्लॉट खरीद रखा है उसको बनाने, मकान अधूरा बना हुआ पड़ा है, पूरा बन नहीं पा रहा है, शुक्रवार के दिन भगवान महादेव का अभिषेक उस प्लॉट में या अधूरे मकान में मत्स्य पुराण में वर्णन है, शुक्रवार को किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उसमें महारुद्राभिषेक करा दीजिए, भूमि का दोष समाप्त, भूमि का दोष समाप्त हो जाएगा, वो मकान बन जाएगा। एक बात और निवेदन करूंगा आगे बढ़ते हुए, जब तक मकान में खिड़की और किवाड़ न लग जाए तब तक नए मकान में रहिए मत। खिड़की और उसमें जब तक किवाड़ ना लग जाए तब तक मत रहिए, और जब तक दीवाल के ऊपर कलई ना पुत जाए, पुरानी भाषा में तो उसको कलई राम रज ये सब चीज़ें बोलते हैं, आज उसको डिस्टेम्बर मान लो, पेंट मान लो उसको, कम से कम उसके ऊपर एक बार तो उसकी लिपाई पुताई हो जाए, उसके बाद में फिर घर में आप प्रवेश करें। और याद रखना, जब नए मकान का आप गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उस घर में भरा हुआ मटका लेके जाया जाता है अंदर, और सबसे पहले नए मकान में चूल्हे के ऊपर खीर बनाई जाती है, सबसे पहले खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है, खीर बनाई जाती है, खाने पीने का सामान जो भी सामान, याद रखना नए मकान का गृह प्रवेश करते हुए 3 दिन तक मकान को खाली नहीं छोड़ा जाता, ये मत्स्य पुराण में वर्णन है, 3 रात्रि वहाँ रात्रि को रुकना ही पड़ेगा, रात्रि को ठहरना पड़ेगा, उसको आप खाली छोड़ करके रात को ताला डाल करके आप नहीं जा सकते, भले आप किसी और को रख दीजिए। देव के ऊपर चढ़ाते हैं तो अपने मुख से इस चौपाई को गुनगुनाते रहिए,
ही आसो तो से तो म अब डर दानी आसो तो से तो म अब डर दानी आरती हर दीन जन दानी आसो तो एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो मैंने आपको दो दीपक की बात करी है जलाने की, ये सिर्फ आपको बोलने के लिए ही नहीं, मैंने भी आश्रम में फोन किया है कि रात्रि को गोपेश्वर मंदिर जाना, एक दिया जला के वहां रख देना गोपेश्वर नाथ भगवान के सामने, और उस दिए से एक दिया जलाकर आश्रम के प्रमुख गेट के दाएं हाथ पर जला हुआ दिया वहां का रख दीजिएगा। तो आश्रम में जितने भी लोग रहते हैं, काम धाम करने में इनका मन लगे, नकारात्मक सोच ना रहे, अच्छे विचार तो सबके लिए जरूरत है। जब जिस कार्य को मैं खुद करने के लिए जा रहा हूं, तो आप भी कीजिए। मैं पुरुषोत्तम भैया को पूछ रहा था कि अगल बगल में कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवालय मंदिर है क्या, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कथा के बाद में हम भी महादेव के मंदिर तक जाकर एक दिया जला के वहां रख देंगे, और उसी दिए से एक जलता हुआ दिया हम लेके आ जाएंगे आपके घर तक, इसलिए पूछा था। ये बहुत अद्भुत, प्रभावशाली, बहुत ज्यादा ही वंडरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर, ताकतवर। एक बढ़िया जीवन जीने के लिए, लोगों की खुरापाती को समाप्त करने के लिए मृत्यु लोक का वरदान है सिंह महापुरा। आप लाइव कट गया, आशुतोष तुम अब डर दानी आरती दीन जग जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी आरती रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी आरती रहो दीन जन जानी, आरती रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी आरती रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी आरती रहो दीन जन जानी, आरत हरहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डर दानी आरत हरहो दीन जन जानी, आशुतोष बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लाओ एक बात कह करके और मैं आगे चलूं। घर में कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, प्राण भी निकल नहीं रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, खड़े भी हो नहीं पा रहे हैं, दवाई भी लग नहीं रही है, शरीर ज्यादा वृद्ध है, तो ऐसा वर्णन ग्रंथ में है कि उनके हाथ से आप गंगा जल महादेव को चढ़वा देते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता।
उनके हाथ से आप गंगाजल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। जो लोग अपने जीवन काल में महादेव के ऊपर गंगाधर के ऊपर गंगा जल चढ़ाते रहेंगे तो मृत्यु के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होगा प्राण छोड़ने में जितना कष्ट पांव में कांटा लगता है। नहीं तो आदमी मरता है तब इतना कष्ट होता है, 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना जब कष्ट होता है मृत्यु के समय पर जीवात्मा को इतना कष्ट होता है। लेकिन जिसने गंगाधर पर गंगा जल चढ़ाया है उसको मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता। घर में कोई ऐसे बुजुर्ग, इसलिए तो गंगा जल कावड़ चढ़ाई जाती है, महादेव के ऊपर गंगा जल लाया जाता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, जब जब मंदिरों में आप जाते हैं तो गाड़ी से मन जाइए, जितना आप पैदल चलोगे तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो कावड़ पैदल ही ला करके चढ़ाई जाती है, उसका महत्व तो तभी तो ज़्यादा है। रामदेवरा बाबा राजस्थान में लोग पैदल, मुझे आप बता रहे थे कि हैदराबाद से लोग पैदल जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग। तो मंदिर में आप जितना पैदल आप अश्वमेध सहस्त्राणि, अरे उसमें तो हजार हजार यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ग्रंथों में लिखा है कथा सुनने के लिए आप जितना आपको लंबा चलना पड़ता है उतना ही उस कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मंदिर में आप जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे तो ये होता है कि पिंटू जाता है आपको बाइक पर बैठा के और मम्मी को गेट पर छोड़ के आ जाता है और फिर चला जाता है लेने के लिए। यदि ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है और 100-200 ही मीटर मंदिर आपके घर से है और आपको पैदल चलने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप पैदल ही जाइए, फिर वहाँ चार पहिया का वाहन और तमाम चीज़ें नहीं तो फिर वहाँ पैदल जाइए। और गंगा जल तो आप पैदल ही जाकर के चढ़ाओ भगवान महादेव के ऊपर। जो घर में बुजुर्ग है चलने में असमर्थ हैं उनके हाथ से गंगा जल स्पर्श करा दो और उनके निमित्त आप बन करके उनके निमित्त आप जाके उनके ही नाम से वो गंगा जल चढ़ा दीजिए। और एक बात मैं आपको कहूँ, बेटा जो भी कुछ करता है बिना समर्पित किए भी उसका पुण्य उसके माई बाप को मिलता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात। बेटा करता है वो मिलता है, पुरखों को मिलता है, पूर्वजों को मिलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी औलाद को जन्म देने के बाद मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मरने के बाद भी जिसके पुण्य मिलते हैं। कहीं आपने पेड़ लगा दिया, वृक्ष आप लगा के चले गए, उस पेड़ के नीचे जब जब कोई छाप लेगा, पशु पंछी उसके नीचे बैठेंगे, उसमें पंछी अपना घोंसला बनाएंगे, तो मरने के बाद भी उसका पुण्य हमें प्राप्त हो रहा होगा। आप रास्ते बना करके चले गए हैं, उसके ऊपर रोज लोग निकलेंगे, यात्रा उनकी होगी, उसका फल मृत्यु के बाद भी हम लोगों को प्राप्त होगा। आप प्याऊ बनवा के चले गए, आप धर्मशालाएं बना के चले गए, आप अनाथ के बच्चे को पढ़ा लिखा करके चले गए, क्या सुंदर मैंने पढ़ाए कि वो व्यक्ति बड़ा हो करके कुछ करेगा उसको पगार मिलेगी, पैसा मिलेगा, पैसे के द्वारा रोटियां घर की चलेंगी और जब जब घर के लोग उस भोजन को करने के लिए बैठेंगे तब तब उसका एक हिस्सा पुण्य का आपके खाते में जा रहा होगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा जो मैंने गरुण पुराण में पढ़ी है, उसमें ये लिखा है कि आपने संस्कारी संभ्रांत बच्चों को जन्म दिया है, जब जब बच्चे तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे होंगे, जब जब बच्चे मंदिर में जा रहे होंगे और जब जब बच्चे वेद वेदांग पढ़ रहे होंगे तब तब उसका पुण्य है उसके माता पिता के खाते में जा रहा होगा। इसलिए इन्हें संस्कारीय बनाइए, इन्हें धार्मिक बनाइए, इन्हें पारमार्थिक बनाइए। कल आप बड़ी अच्छी सी कथा सुन रहे थे जिसमें शिवलिंग के प्राकट्य की कथा थी और वह कथा इस प्रकार से थी कि शंकर बीच बिचोले के लिए आए थे, ब्रह्मा और नारायण आपस में लड़ गए, झगड़ा इस बात का था कि मैं बड़ाऊँ मैं बड़ाऊँ, अग्निस्तंभ के रूप में वो प्रकट हो गए थे। भगवान को श्री भोलेनाथ बिल्कुल तपा तपाया लाल लाल रंग था और जहाँ पर यह स्तंभ प्रकट हुआ उसको आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पहाड़ों के बीच में, कभी समय मिले यहाँ की यात्रा अवश्य मेव कीजिएगा। दोनों देवता
उस स्तंभ के और छोर का पता लगाने के लिए गए। नारायण को भूल समझ में आ गई, उन्होंने कहा भगवान आपका आरंभ ही नहीं है तो आपका समापन कहाँ से होगा, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मैंने बहुत गलती करी है और मैं आपके छोर का पता लगाने को गया। तो भगवान शिव बोले वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे तस्त्वयि सत्य वाक्यम। ये लिखने लायक बात है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो सत्य बोलता है उसके ऊपर मैं भारी प्रसन्न होता हूँ, ये भोलेनाथ का शब्द है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 31, इसमें भगवान महादेव कहते हैं कि जो सत्य बोलता है उसके ऊपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देता। सगरे काम सत्य बोलने से हो रहे हैं तो भाई साहब झूठ बोलना क्या कोई जरूरी है क्या? लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से काम होते हैं, कभी भी नहीं होते। झूठ रावण बोलता था, अधर्म और अन्याय का चुनाव रावण ने किया, सगे भाई विभीषण ने संग छोड़ दिया। सत्य के रास्ते का चुनाव प्रभु राम ने किया, बंदर और भालू भी प्रभु राम के सहयोगी हो गए। आप सत्य का अनुसरण करोगे, पूरी सृष्टि आपके संकल्पों में लग जाएगी पूरा करने, सब आपके सहयोगी हो जाएंगे। अन्याय अपराध और असत्य का आचरण किया तो समझ लीजिएगा कि अपने खासम खास भी हमारा संग छोड़ के चले जाएंगे। असत्यम अपि सस्तम स्या दापत्या अनुशासन, जो झूठ बोलते हैं उनका स्वयं का भी अपने ऊपर कोई अनुशासन नहीं होता। धर्मन दूसरी सत्य समान, धर्मन दूसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। धर्मन दूसरे सत्य समान, सिरादे आगम निगम पुराण सत्य समान। वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, पालन कीजिएगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है आके हृदय। मैं भगवान की व्यासपीठ पर बैठा हूं और ये ग्रंथ मेरे सामने है और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। अभी वृंदावन में कैंसर हॉस्पिटल की एक रजिस्ट्री हुई है, मुझे सामने वालों ने ये कहा, उनकी बगल की कोई जमीन बिकी होगी, उन्होंने मुझे ये कहा था कि महाराज जी बस आप ये कह दीजिएगा कि ये जमीन हमने इतने में ली है और आपको 3,97,00,000 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। मैंने कहा तुम मुझे इंद्र का पद दो तो भी मैं नहीं बोल सकता बिल्कुल, और महादेव की सौगंध मैं नहीं बोला बिल्कुल। मैंने कहा मेहनत ज्यादा करेंगे, हमें मुनाफा नहीं चाहिए कि हम अपने फायदे के लिए और दूसरे व्यक्ति का 5,00,00,000 का नुकसान कर दें। मेरे थोड़े से झूठ बोलने पर सामने वाले का 5,00,00,000 रुपए का नुकसान था। आश्रम को तो चलो ठीक है 3,98,00,000 का मुनाफा, लेकिन ऐसा मुनाफा आश्रम नहीं चाहेगा जिसमें दूसरे का 5,00,00,000 रुपए का नुकसान होता है। और मैंने उस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। सोमवार है, शिव के दरबार में बैठा हूं। ये बातें नकली नहीं है, ये नहीं है कि बस लोगों को सुनाने के लिए हो, इन बातों के ऊपर हम स्वयं में खरे उतर रहे। उस आदमी का मेरे पास फोन आया, मैं आगरा में कथा थी, उन्हीं दिनों की बात है,
तो कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बातें हैं और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि कौशिक महाराज ने और वो इतने में ले लिए। मैंने कहा मैंने नहीं ली इतने में, बिल्कुल भी नहीं ली। कहा महाराज जी हमारे तो 5 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा नुकसान थोड़ी होने देंगे, बस तुम उस पार्टी को ये कह दो कि कौशिक महाराज से तुम बुलवा दो, हम उसका और डबल दे देंगे, क्योंकि मैं बोलने वाला ही नहीं था बिल्कुल। और उस बेचारे को वो भी परहित परमार्थ का काम था और उनका 5 करोड़ रुपया जाने से बच गया। कैसे बच गया? हमने अपने सत्य का पालन किया इसलिए बच गया। तो धर्मन दूसर सत्य समान आगम ने। हाँ एक बात तो मैं कहने को बोली वो तो भूल ही गया। मैंने कहा उसका 5 करोड़ भी बचेगा और हमारा 3,98,00,000 भी बचेगा यदि हम अपने सत्य के ऊपर डगे हुए हैं। उनको गर्ज थी, उनको राजी, उनको जरूरत थी, तो 4 करोड़ आश्रम का बचा, 5 करोड़ सामने वाले का बचा, 9 करोड़ रुपया बच गया सत्य का सारा। तालियां तो आप बजाना ही मत बिल्कुल। बहुत मोटी जगह थी, बहुत बड़ी रकम, कैंसर हॉस्पिटल की जमीन। वो सुन पा रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे भय किस बात का है, डर किस बात का है, हकीकत है तो वो तो हकीकत ही है। तो धर्म तो कोई, सत्य तो कोई बात है कोई, और बिना मतलब के कोई मतलब ही नहीं है। ये ग्रंथ में जो ये बातें कही हैं, देखो ये शिव का मुझे ये सूत्र इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है चटनी बना करके इसको चाट जाऊं, शरबत बना करके पी जाऊं। क्या कहा है कि प्रश्नोस्मी हरि आवत तो सत्यमन सत्यवा, कि हम भगवान कहते हैं जो सत्य बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं उनसे मैं अति प्रसन्न रहता हूँ, उनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ। और भोलेनाथ ने कहा नारायण तुम सत्य बोले हो, तुम सत्य बोले हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, धरती पर तुम्हारे विविध अवतार हो, जब तुम्हारी पूजा करेगा उसके ऊपर महादेव प्रसन्न होगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा महादेव उसकी मौत को नहीं बिगड़ने देगा। ये भगवान शंकर के शब्द हैं, वो नारायण के बात बोल। यहाँ कृष्ण के पुजारी बहुत बैठे, उनमें से एक मैं भी हूँ भगवान की कृपा से। गोपाल जी बैठते हैं कथा सुनते हैं, हनुमान जी इधर बैठे हैं, हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, उनके बिना तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। लेकिन भगवान शिव को जब वंदन प्रणाम करते हैं तो उनको यही कहते हैं प्रभु जिस देवता को हमने इष्ट बनाया है उसके चरणों में अपार भक्ति दे दीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे बिना भक्ति नहीं मिल सकती। जे ही पर कृपा करहिं पुरारी सो न पाव मुनि भगते हमारी, स्वयं नारायण ने बात कही। आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन होगा कि आपके मंदिर में शिव का होना जरूर, भगवान शंकर का होना जरूर। सबको बैठाइए, मैंने 5-7 चीजें बताई हैं आपको अभिषेक में, ये बनावटी बातें नहीं हैं, इन चीजों से आप महारुद्राभिषेक कर देते हैं तो इस कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सफलता मिल ही जाती है, इसमें संशय वाली बात। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम पता लगा के आए, तो स्वामिन प्रसीदाद महाभूते मन्ये वरम वरदमे सरसा प्रमोक्षम, आप मुझे आप हमें वरदान दे दीजिए, हम तुम्हारे स्तंभ के ओर छोर का पता लगा के आ गए। शंकर को क्रोध आ गया, उसी समय उनमें से भैरव नाथ प्रकट हो गए और भैरव बाबा ने ब्रह्मा का मस्तक छेदन कर दिया। मेरे सामने मोबाइल रखा, इसमें मैं आपकी फोटो देख लेता हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर फोटो लग रही है, पहनावा तो राजस्थान का गजब का ही है। भगवान शंकर ने मस्तक छेदन तब किया, सिर कट गया, फड़कती हुई तलवार भैरों के हाथ में थी, उन्होंने मस्तक छेदन कर दिया।
हाहाकार मच गया। इधर केतकी नाम का फूल, उसने भी झूठ बोल दिया और कह दिया कि ये मुझे लेके आए। भगवान महादेव इतने कुपित हो गए कि इसको श्राप दे दिया कि किसी भी देवता की पूजा में तुझे लिया नहीं जाएगा। इत्र बहुत बाजार में आते हैं, केवड़े का इत्र मत लेना, केवड़े का फूल किसी भी देवता की पूजा में ये चढ़ता नहीं है। शिव ने इसको अभिषिक्त कर दिया। अपनी भाषा में इसको केवड़ा कहते हैं, साहित्यिक भाषा में उसका नाम है केतकी। महादेव का श्राप लग गया इसको, भोलेनाथ ने इसे श्राप दे दिया था। भगवान नारायण प्रार्थना करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आप तो इसी जगह पर शिव का नाम आशुतोष हुआ है। इतने कुपित थे नारायण को प्रार्थना करने पर हाल ही प्रसन्न हो गए। देवताओं में सबसे जल्दी राजी हो जाने वाला यदि कोई देव है तो वो भोला भंडारी है। ना तो कोई गणेश भोला कहता, ना कोई कृष्ण भोला कहता, ना कोई राम भोला कहता, लेकिन सब कहते हैं शंकर भोला। ये भोला है ही। लिंग पुराण में कथा आती है कैसे भोला है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था भस्मासुर। पहले तो भुर नाम दैत्य उसका था, उसने शंकर को खूब तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और भोलेनाथ से गलती ये हो गई कि वरदान देने को गए तो घरवाली को संग ले गए, पार्वती मैया को। माँ बड़ी सुंदर थी और ये तो राक्षस ही ठहरा। इसकी आंख में खोट आ गया और इसको लगा कि कैसे महादेव को मार डालूं, पार्वती मेरी पत्नी बन जाए। भोलेनाथ ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहिए? ये कहता है कि दे दोगे? भोलेनाथ ने कहा, क्यों नहीं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। तीन बार त्रवाचा भरवा लिया। तो वो कहने लगा कि यह वरदान दे दो कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। नाम हो गया उसका भस्मासुर। उसने कहा कि वरदान असली है कि नकली है, तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रख के ही परखूंगा इस वरदान को। लो आफत आ गई। वाह महादेव, अब वो भस्मासुर महादेव के सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए पीछा किया और भगवान आगे दौड़े। एक जगह पड़ती है, कभी आप जाएं कटरा माता जी के दर्शन करने के लिए, मैया जी के दर्शन करने के लिए आप जावें वैष्णो देवी, तो एक बाएं हाथ पर रास्ता कटता है और एक जगह का नाम है शिव खोड़ी। हो सकता है आप में कोई गए हो, वो जगह का नाम है शिवखोड़ी। भगवान महादेव इस गुफा में छिप करके रहे थे और जहां पर ये भस्मासुर भस्म हुआ है वो तेलंगाना में ही, वो कहीं कोई स्थान पड़ता है, वो एरिया यहीं कहीं होगा। अब मैंने तो देखा नहीं है लेकिन वो इधर दक्षिण में ही है वो एरिया। भगवान शंकर अंदर उस गुफा में, शिवखोड़ी की गुफा में घुस गए। इधर नारायण आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या बात है, अरे बोल तो सही है। घूमता ढूंढता हुआ शंकर का पीछा करे, भोलेनाथ मिले नहीं, शिव खोड़ी की गुफा में शंकर घुस गए। भगवान नारायण सामने चल कर के आए। नारायण ने कहा कि बोल बात क्या है, लिंग पुराण की कथा, बोल क्या बात है। वो कहता है कि शंकर ने आए मुझे वरदान दिया है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा। तो वरदान असली है कि नकली है? शिव के सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे परखना चाहता। नारायण ने कहा, हमें ही बता देते हैं नकली है, नकली है। कहा, कैसे पता लगेगा नकली है? कहा, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के देख ले। भस्मासुर ने कहा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा। अरे 2 फीट ऊपर रखना हाथ, लगे कि गर्मी गर्मी सी लगे तो समझ लेना असली है, यदि ऐसा कुछ ना लगे तो समझ लेना नकली है। तो उसने जैसे ही दोनों हाथ यूं ऐसे किए, भगवान ने एक पत्थर उठाया और जोर से उसके हाथ के ऊपर पटक दिया। वो पत्थर भस्मासुर के सिर के ऊपर गिरा हाथ, और उसी समय भस्मासुर भस्म। एक कथा इस प्रकार से भी आती है। अब तो कई ग्रंथ पढ़े हैं तो इन कथाओं का पता लग ही गया है। जब आपको अपने व्यापार का अनुभव है कि इस व्यापार को किस तरीके से परिवर्तित किया जाए,
तो इसमें कितनी तरक्की और ऊंचाई मिलेगी। आप पूरे दिन बस व्यापार में, अब इस शहर में सामान भेजो, अब प्रोडक्शन इस तरीके से बनाओ, अब पैकिंग इस तरीके से करो, आपका जब दिल दिमाग सब उसमें घूमता रहता है। मेरा दिल दिमाग भगवान की कथाओं में घूमता रहता है, वो तो अपने अपने क्षेत्र की बात है। तो एक कथा इस प्रकार से भी आती है कि जब भगवान महादेव दौड़ते हुए जा रहे थे और भस्मासुर पीछा कर रहा था, तो माता पार्वती आगे आ गई। पार्वती ने कहा, भस्मासुर थोड़ा सा तू रुक ले, मैं तेरी बन जाती, लेकिन भगवान शिव के पास में एक कला है, वो मुझे दूसरे के पास मिलती नहीं है। कहा, कौन सी कला है? वो तांडव नृत्य बहुत जबरदस्त, नटराज नृत्य बहुत ज्यादा जबरदस्त करते हैं, यदि ऐसा कोई नाच करके बता दे तो फिर मैं उसी को स्वीकार कर लूं। करूं तो करूं क्या, शंकर जैसा नृत्य कोई दूसरा दिखा नहीं पाता, क्या बताएं, हम तो इसी बूढ़े बाबा की बन करके रह गई हैं। पार्वती मैया बोली, आपके पीछे एक माताजी सो रही है, पांडे जी जगा दीजो, सोइए मत, मैं आप सबको देख रहा हूं पीछे तक, नहीं तो कथा छूटे तो मुझे पूछ लेना कि हम कहां बैठे थे, यहां से मैं आपको देख ही तो रहा हूं। एक भी श्रोता ऐसा नहीं है, बिल्कुल पीछे, चश्मा लगाए हूं, मोटे मोटे दिख रहे हैं आप सबको, मुझे पता है कि कौन कहां बैठा है। ये सोने में कंप्रोमाइजन समझौता नहीं चलेगा, और आज तो सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि व्रत का दिन है, सोमवार है, जो सोमवार का व्रत करता है वो क्रोध जीत लेता है, उसके पास क्रोध नहीं रहता, जो सोमवार का व्रत करता है वो काम को जीत लेता है, और जो सोमवार का व्रत करता है वो लोभ को जीत लेता है। यही तीन दोस्तों हैं, माता मंदोदरी कहती है, नाथ नरक के पंथ, जिनको क्रोध है, जिनको अभी संसार की कामनाएं, जिनके अंदर कूट कूट करके लोभ भरा हुआ है, तो उनके लिए सोमवार का व्रत वरदान है। इसलिए व्रत वाले दिन सोते नहीं है, इसलिए सोने नहीं दूंगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महादेव बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधेश। तो मैया बोली कि यदि उन जैसा कोई नृत्य दिखा दे तो फिर उसको मैं स्वीकार कर लूं। तो भस्मासुर कहने लगा कि एक बार कोई नाच के बता दे तो फिर नकल उतार करके मैं नाच के बता दूंगा। मैया ने कहा, मैं बताती हूँ वो कैसे नाचते हैं सिरादे। सो मैया ने नृत्य शुरू किया, मैया ने हाथ उठाए यूं, इसने भी हाथ यूं उठाए, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे करने लगा, फिर मैया करने लगी यूं, इसने भी ऐसे किया, फिर मैया ने किया यूं, इसने भी ऐसे किया, फिर मैया ने किया यूं, ये भी ऐसे ही करने लगा, फिर माता जी ने ऐसे किया, ये भी ऐसे किया, और अचक से मैया ने नाचते नाचते दोनों हाथ यूं कर दिए, ये भूल गया, और उसी समय इसने दोनों हाथ सिर के ऊपर जैसे रखे, और उसी समय ये जल करके राख हो गया भस्मासुर। तो महादेव तो इतने सरल देवताएं, इतने सहज देवताएं, क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, और जब क्रोध आता है तो समझ लो कि सब गड़बड़ी है। तीन आंख वाला देवता है, और जिस समय तीसरी आंख इसकी खुलती है, या तो इसकी जटा खुलती है या आंख खुलती है। जटा खुलती है तो पानी ही पानी। 2013 में उत्तराखंड में जटा खुल दी उन्होंने, केदारनाथ ने, सब लुप्त। मैं तो उन दिनों में वहीं था, 19 दिन रहा था, इतना पानी, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। अन्याय अपराध तीर्थों में होंगे तो और क्या होगा, बुरा ना मानिएगा, तीर्थों में 31 दिसंबर की रात्रि और 1 जनवरी का सवेरा आप शराब के पाउच गिन नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। इतने कुकर्म, इतने खुरापाती, इतने अपराध, तीर्थों की चद्दर ओढ़ करके लोग करते हैं, इसलिए ये स्थितियां इसलिए ऐसी हो जाती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तीर्थों में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें पड़ी हुई होती हैं, कुकर्म ही करते हैं। अपनी पत्नी को तो ये बोलते हैं कि व्यापार की मीटिंग है, लेकिन पराई स्त्रियों को संग ले जाकर के तीर्थों में कुकर्म होते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है, परमात्मा ही मालिक है, भगवान बचावे। जब ये स्थिति होगी तो फिर शंकर की जटा न खुलेगी तो और क्या होगा, ये स्थिति होगी तो शंकर की आंख न खुलेगी तो और क्या होगा। महादेव की जब तीसरी आंख खुलती है
उस समय कामदेव जल करके राग होता है, जब सेवती जब शिवती सर नयन उगारा इत वत काम भय जरिचारा जब शिवती सर नयन उगारा इत वत काम भय बोली शंकर भगवान जय हो। विधाता ब्रह्मा बहुत रोए, गलती का एहसास किया, इन्होंने श्राप दे दिया कि धरती पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। नारायण ने प्रार्थना करी तो शंकर मुस्कुरा गए, भगवान ने कहा मंदिर तो नहीं होंगे, ब्रह्मा के मेरा श्राप है, इन गलती का एहसास किया है तो पूरी धरती पर एक इकलौता मंदिर होगा ब्रह्मा का, और जहां पर इनके हाथों से एक यज्ञ होगा आने वाले समय में यजन होगा। और भगवान ने इनके हाथ में एक फूल दिया था, ब्रह्मा जी के हाथ में, और ये कहा था, पद्म पुराण की कथा है कि जहाँ पर ये फूल गिर जाए तुम्हारे हाथ से और वहीं तुम यज्ञ करना। पूरी धरती का भ्रमण ब्रह्मा जी ने किया। जब वो राजस्थान प्रदेश में पहुँचे तो अजमेर से थोड़ा सा आगे पहाड़ियों के मध्य में, और ब्रह्मा के हाथ से, संस्कृत में कर कहते हैं हाथ को और फूल को कहते हैं पुष्प, हाथ से पुष्प नीचे गिरा, उस स्थान को पुष्कर के नाम से जानते हैं। बड़ा अद्भुत स्थान है। आप राजस्थानी भाई बहन, आप बड़े बड़भागी, आपके पास इतने तीर्थ हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, तीर्थ बहुत हैं इस धरती पर, लेकिन पुष्कर की अपनी एक महिमा है। दूसरी जगह है, 12 वर्ष कार्तिक नहाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पुष्कर में कार्तिक में एक रात्रि और एक दिन वहाँ रहकर भोर का स्नान करने से 12 वर्ष के कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। जब मैंने ये बात पहली बार पढ़ी पद्म पुराण में, तब हमें लगा कि इतना बड़ा पुण्य लुट रहा है इस धरती पर, हम इससे वंचित रह जाएंगे। तब से लेकर के अभी तक हर वर्ष कार्तिक में 8-7 दिन पुष्कर में लगा करके आते हैं, हर साल, जब से पढ़ा है तब से हर साल, इस साल भी होंगे पुष्कर में। तो कह दिया कि पुष्कर में महादेव कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आकर के बनाऊंगा। वो बोले, शंकर जी ने कहा मैं स्वयं तुम्हारा मंदिर आकर बनाऊंगा, और नारायण को कहा कि तुम्हारे लिए भी मैं ही आकर के एक देव मंदिर बनाऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। वही भगवान शंकर शंकराचार्य बन करके आए तो इधर विधाता ब्रह्मा जी का मंदिर, उधर बद्री विशाल का वो देव मंदिर है। मंदिर तो बहुत बार बने होंगे, मिटे होंगे, टूटे होंगे, लेकिन आदि शंकराचार्य भगवान की ये देन है जिसमें ब्रह्मा जी की सुंदर सी प्रतिमा विराजित है। ऐसा कहते हैं कि जिनका वंश निर्वंश हो रहा है वह पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का अभिषेक करें पति और पत्नी। तो ऐसी तमाम बीमारियाँ हैं, डॉक्टरों की भी पकड़ में वो बीमारियां नहीं आती, सृष्टि का सृजन करना ब्रह्मा के हाथ की बात है। तो पुष्कर वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करने से, उनका पूजन करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। पूरी दुनिया में एक अद्भुत मंदिर है, वो श्री पुष्कर जी में मिलता है। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ में तुम्हें हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जिस यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान नहीं होगा
तो यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। आज भी जब यज्ञ होता है और जब भी किसी पंडित जी को आचार्य को अपने यहाँ आप बुलाएं तो ब्रह्मा के स्थान का ध्यान रखें। जब आप यज्ञ में बैठते हैं तो आपके दाहिने हाथ पर चार ईंटें रखी हुई होती हैं, उसमें एक पतीले में चावल भरे हुए होते हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ होता है, यही ब्रह्मा जी का स्थान है। यह वरदान भगवान शंकर ने दिया है। जैसे यज्ञ में ब्रह्मा को स्थान मिलेगा वह यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण होगा। चाहे आप नवरात्रा का यज्ञ कर रहे हैं और किसी हवन यज्ञ में आप बैठे हैं तो अपने दाहिने हाथ पर ब्रह्मा जी के लिए स्थान दिया जाता है। भगवान शिव ने ये उन्हें दे दिया। केतकी फूल रो रहा था और उसने कहा नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया। भगवान हम झूठ बोले और हमारा तो जीवन ही निष्फल चला गया। क्षम्यताम मम किल्वसम, मुझे आप क्षमा कर दें, हमें माफ कर दें। भगवान ने कहा मैंने तो श्राप तुम्हें दे दिया है और कहा रे केतक दुष्टस्तम षड दूर मितुस ब्रजहा, कहा तूने बहुत सठता और मूर्खता का काम किया है तो और देवताओं को तो तू नहीं चढ़ेगा, चल तू शरण में है तो ये हम कटौती कर देते हैं। भगवान महादेव ने कहा मेरी शिव महारात्रि के समय पर मेरे मंडप में तुझे लगाया जाएगा और जो शिवरात्रि के समय मेरे मंडप में तुझे लगाएगा उसको एक ही दिन में वर्ष भर की पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब जब आप शिवरात्रि मनाते हैं तो केतकी फूल नहीं मिलता है तो केवड़े की सीसी बाजार से लेके आओ और भगवान शंकर का जो मंडप बनाया हुआ है रुई में केवड़े का इत्र लगाओ और उस मंडप में उस रुई को लगा दो तो इससे शिव महारात्रि की पूजा की महिमा बढ़ जाएगी। ऐसा वरदान स्वयं भगवान शंकर ने भगवान शिव ने दिया है। केतकी का पेड़ भी लगता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे एक है रात की रानी, एक है केतकी, एक है चंपा। ये पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पर सांपों का ज़्यादा खतरा होता है, सर्पों का, क्योंकि सांप भगवान के गढ़ हैं और ये पेड़ भगवान महादेव से जुड़े हुए हैं तो उसका तो असर होता ही, इसलिए लोग उसको कम लगाते हैं। तो वो नाम मिले केतकी का पेड़ बेल तो आप बाजार से केवड़े का इत्र लगा करके फिर आप यह कर सकते हैं। तो यह अद्भुत कथा सुना दी गई है और अब आप इसमें शिव महारात्रि की जो महिमा है इसी प्रसंग में शिव महारात्रि की महिमा। विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम अभिषेक भगवान शंकर का उस समय किया जब वो स्तंभ प्रकट हुआ था। आज के समय में जिसे हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं, ये शिवलिंग को प्रायः है लोग कुछ दूसरे दूसरे भावों से समझते हैं। सृष्टि का चिन्ह है शिवलिंग। जैसे स्त्री की पहचान के लिए एक शब्द बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुष के लिए कहते हैं पुरलिंग, उसी प्रकार से सृष्टि का चिन्ह ही शिवलिंग है। ये पूरी सृष्टि शिवमय है, शंकर में समाई हुई है। पूरी धरती को संस्कार जिसने दिया है उसी को तो शंकर कहते हैं। सम करोति शंकर, जिसने सबको संस्कार दिया उसका नाम शंकर है। जो सबका कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिव है। तो सबसे पहला अभिषेक रात्रि में हुआ था महादेव, और जिस दिन यह अभिषेक हुआ था रात्रि में उस समय यह फाल्गुन में पड़ने वाली चतुर्दशी थी जिसको भोला की चौदश बोलते हैं, शिव चौदश जिसको बोलते हैं। रात्रि का समय था। विधाता ब्रह्मा ने और भगवान नारायण ने प्रथम पूजा करी है भोलेनाथ की। एक रात्रि में चार अभिषेक किए थे इसलिए इसको चतुर्थ पहर की पूजा कहते हैं। शंकर क्या बोले सुनो, कहते हैं शिवरात्राव हो निराहारो जितेन्द्रिया अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचक। उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो शिवरात्रि को मेरा अभिषेक करेगा, मेरे चार पैर की पूजा करेगा, निराहार रहकर बिल्कुल अन्न नहीं खाएगा, जितेंद्रिय
ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अर्चय मेरी पूजा करेगा, उसको मैं बल यश संपत्ति और सन्मति ये सब कुछ उसको मैं उड़ेल दूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, ये भगवान शंकर बोले। तो ये चार पहर की पूजा शिवरात्रि को होती है। टाइमिंग्स मैं बताई देता हूँ, पहली पूजा का समय क्या है इधर देखिए, दूसरी पूजा का टाइम क्या है। घोर गरीबी का तो नाश होता ही है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, यश बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। शिव महारात्रि को जो पूजा कर लेते हैं, वर्ष भर की पूजा का फल उन्हें मिल जाता है। वैशिक ग्रंथ में लिखा है, अभी आगे श्लोक आएगा मैं बोलूँगा। तो पहली पूजा है, इसमें 9 से 10:30 आधे घंटे का गैप ले लीजिए, उसमें खड़े हो जाइए आप, नहीं जब शिवरात्रि को पूजा हो तब की बता रहा, घूम घाम करके आ जाइए, दूध चाय पी के आ जाइए, अन्न मत खाइए। आधे घंटे में खड़े होके पाम बाम सीधे सादे हो जाएंगे, फिर 11 बजे फिर बैठ जाइए, 11 बजे से दूसरी पूजा शुरू होगी। 1.5 घंटे की पूजा होती है, 11 बजे आप शुरू करेंगे तो वो 12:30 बजे पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए आके 1 बज जाएगा। पहली पूजा 9 से 10:30, दूसरी है 11 से 12:30, तीसरी पूजा है 1 से 2:30 बजे तक। आधे घंटे के लिए फिर घूम घाम के आ जाइए, फिर 3 बजे चौथी पूजा में फिर बैठ जाइए। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा कि क्योंकि इसमें उत्तर पूजा होती है, लास्ट में थोड़ी बड़ी पूजा है तो उसमें 5 बज जाएंगे आपको। 5 बजे फिर आप आरती कर लें, उसके बाद में फिर नहा धो करके जो भी आपको जो जैसे कुछ करना है सो आप कर लीजिएगा। इसको कहते हैं चतुर्थ पहर की पूजा, शिव महारात्रि की चतुर्थ पहर की पूजा की बहुत भारी महिमा है। तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रु मदर्चनात्, भगवान शंकर कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरा, ये शब्द लिख लो तो ज़्यादा ठीक है। भगवान शिव कहते हैं यत फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिस समय शिवरात्रि को आपने मेरी पूजा की है उससे अगली शिवरात्रि तक मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पूरे वर्ष भर तुम्हारे संग 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 रहूंगा। भोलेनाथ कहते हैं कि एक शिवरात्रि को रात में मेरी पूजा करने से अगली शिवरात्रि तक पूरे वर्ष भर की पूजा करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हें पुण्य प्राप्त। क्या सुंदर बात कही है, आनंद आ गया है। भोलेनाथ की तो कृपा भैया ऐसी बरस रही है बड़े आनंद के साथ में, और तो भी लोग वो कैसे हैं भैया, इस आनंद से वो वंचित रह रहे। इस आनंद से वंचित मत रहिए, इस आनंद का पूरा आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, बेलपत्री भगवान महादेव के ऊपर रोजाना बेलपत्रियाँ चढ़ाएं, आनंद हो जाएगा। आइए मानसिक भाव से बेलपत्री भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, आइए 2 पंक्तियाँ भजन के साथ में आनंद आएगा। कथा में तो बहुत अच्छा लगता ही है, सिर्फ पुराण की कथा है। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के हैं मन में शिवाला। जग का स्वामी, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनन्य कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनन्य कहानी। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार।
दूर तेरे चरणों कर जीवन को साकार किया मेरे बोलना तीनों लोग में तो ही तो श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्नी श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्नी जीवन भी अर्पण कर दो शिव नाम से है जगत में उजाला शिव भक्तों के है मन में जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू एक बार दोनों हाथ जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिक कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा है मेरा जीवन आधार उसमें और जानू ना मन है कामना
कुछ मैं जानो ना जितनी मन करो तेरी आराधना सुख पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे सुख पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे प्रेम सबसे करो ऐसा बरदान दे श्री राधे श्री राधे श्याम।